आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक दशक में चीन की आर्थिक वृद्धि अमेरिका से 7 गुना तेज रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? चीनी सामान आमतौर पर सस्ते होते हैं, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिकते, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग जानते हैं कि चीन दुनिया में नकली उत्पादों का नंबर एक निर्माता और विक्रेता है। आज के एपिसोड में हम चीन के बारे में कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मिस्ट्री अनलॉकर के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें से कई लोग चीन में बना सामान खरीदते हैं, लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि ये चीजें कैसे बनती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए जो चीनी खिलौने खरीदते हैं, वे उनके देश के कचरे का उपयोग करके बनाए जाते हैं। वे आपके बजट के भीतर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बना सकते हैं जो आपके पास पहुंचने तक चलेगा। नकली मछली और मांस और यहां तक कि नकली अंडे भी चीन में बनाए जाते हैं। चीन के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि मेज और कुर्सियों को छोड़कर बाकी सब कुछ खाया जाता है। यहां लड़कों के पेशाब में अंडे उबालकर खाए जाते हैं और यह प्रथा चीन में हजारों सालों से देखी जा रही है। और इसके लिए स्थानीय स्कूलों से मूत्र इकट्ठा किया जाता है। उनका मानना है कि इस अंडे को खाने से पीठ और जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और शरीर पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। इसके अलावा यहाँ कॉकरोच, चूहे, कुत्ते और यहाँ तक कि मगरमच्छ भी खाए जाते हैं। चीन का गुआंगशी प्रांत भी हर साल जून में डॉग मीट फेस्टिवल का आयोजन करता है और इस कारण से हर साल अनुमानित 10 से 20 मिलियन कुत्ते मारे जाते हैं। चीन में हर साल लगभग 4 लाख बिल्लियां भी खाई जाती हैं। ऐसे अजीब तरह के खाने के लिए चीन दुनिया में मशहूर है। यहाँ भेड़ के अंकोश को लकड़ी से लपेटकर आग में जलाकर खाया जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग में भी मुर्गी के अंगों से पकाए गए नूडल्स खाए जाते हैं। चीन में ताकतवर लोग अपनी जगह किसी और को जेल भेज सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद 27% अश्लील वीडियो सिर्फ चाइना में ही बनाया जाता है। चीन में इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं कि नदियों से शवों को निकालने के लिए नौकरियां हैं। चीन में फेसबुक और ट्विटर को 2009 से बंद कर दिया गया है। 2010 में चीन के शंघाई शहर में 100 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और यह 12 दिनों तक चला था। चीन में हर 30 सेकंड में एक दिव्यांग बच्चा पैदा होता है। इसका कारण वहां का प्रदूषण है। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का मतलब है कि आपने 21 सिगरेट पी हैं। आप इंटरनेट पर ज्यादातर चीनी तस्वीरों में लोगों को मास्क पहने हुए भी देख सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि चीन की महान दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, लेकिन चीन की महान दीवार के अलावा एक और चीज अंतरिक्ष से देखी जा सकती है और वो है चीन का प्रदूषण। चीन की 90% नदियों का पानी जहरीला है। उनका अनुमान है कि 2025 तक चीन में न्यूयॉर्क जितने बड़े 10 से अधिक शहर होंगे। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि सेक्स टॉय की बिक्री में चीन नंबर एक है। चीन में अमेरिका की आबादी से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है। चीन की हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी भी ब्रा में डिग्री प्रदान करती है। चीन की कुछ बड़ी फैक्ट्रियों में ब्रा बनाने की लैब भी है। ये कंपनियां हर साल विक्टोरिया सीक्रेट जैसे ब्रांड के लिए इनरवियर बनाती हैं। चीन नकल के मामले में इतना आगे बढ़ चुका है कि यहाँ चावल भी नकली बनाया जाता है। चीन में बने नकली चावल को प्लास्टिक चावल भी कहा जाता है और यह चावल विभिन्न प्रकार के रसायनों को मिलाकर तैयार किया जाता है। पकने पर यह चावल चावल जैसा ही दिखता है। इस चावल को खाकर पहले से ही कई लोग बीमार हैं, फिर भी यह चावल चीन में खुलेआम बेचा जा रहा है। चीन में नकली शहद भी बनाया और बेचा जाता है और ये 1 लीटर नकली शहद सिर्फ 100 रुपए में बनाया जा सकता है और फिर यह 800 से 1000 रुपए प्रति लीटर तक बिकता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि चीनी सामान इतना सस्ता क्यों होता है और ज्यादा समय तक क्यों नहीं चलता। इन सब के बावजूद अगर आप चीन से सामान खरीदते हैं तो फिर आप पैसा खर्च करके मौत खरीद रहे हैं। दोस्तों, चीन के बारे में इतने अजीबोगरीब तथ्य हैं कि उन्हें एक बार में बताना नामुमकिन है। वीडियो का दूसरा भाग तभी अपलोड किया जाएगा जब वीडियो को 1000 लाइक मिलेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।